अगर आपके जीवन में कई बाधाएं आ रही हैं, तो शुक्रवार का दिन आपके लिए काफी अहम साबित हो सकता है। दरअसल कल मौनी अमावस्या है। 79 साल बाद इस दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस मौके पर स्नान और दान करने का काफी महत्व माना गया है। ये दिन देवताओं से जुड़ा है, ये दिन पितरों से जुड़ा है। मान्यता है कि इनका आशीर्वाद आपकी कई मुश्किलें हल कर सकता है। तो कैसे देवताओं और पितरों को खुश किया जाए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शुक्रवार को मौनी अमावस्या है। ये दिन पितरों का होता है, वो मौका जब आप अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, साथ ही उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। माघ महीने में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या और माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान और दान का काफी महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी दुखों और बाधाओं से राहत मिल जाती है। इस बार माघ अमावस्या पर 79 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, विनायक अमृत, हंस और मालव्य शुभ संयोग बन रहे हैं। मौनी अमावस्या शुक्रवार सुबह 8:02 पर शुरू होगी, फिर ये अगले दिन यानी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर खत्म होगी। ऐसे में मौनी अमावस्या शुक्रवार को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या का इतना पुण्य फल बताया गया है, आज आप जो दान करते हैं, आप जो पुण्य करते हैं, आज वो अक्षय हो जाता है, अक्षुण हो जाता है। पीपल की प्रदक्षिणा 108 बार, यानी कि उसके 108 बार घेरे में चक्कर लगाने मात्र से व्यक्ति को शनि राहु केतु आदि पीड़ा देना शुरू कर बंद कर देते हैं। और साथ में आप ये अनुभव करें कि किसी भी व्यक्ति को पितृ दोष बनता है वो इन्हीं तीन ग्रहों के मुख्य कारण से बनता है। सूर्य को राहु ग्रह सेगा तो ग्रहण योग बनेगा, पितृ दोष है ना, तो पितरों की पूजा करें और या पीपल की प्रदक्षिणा करें, वही फल मिलना शुरू हो जाएगा, पितृ दोष शांत हो जाता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर्व पर दान करने से ग्रहों की शांति होती है और साल भर सुख समृद्धि घर में निवास करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर अपने दिन की शुरुआत करें। इस दिन गंगा, यमुना या किसी और पवित्र नदी में स्नान करें। नदी में स्नान करना संभव न हो तो अपने घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पण करें और अपनी इच्छा अनुसार दान करें। ऐसा वर्णन आता है, पुराणोक्त वर्णन है, कि जब देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं को जिस समय राक्षसों ने हरा के हटा दिया उनकी गद्दी से, तो वो लोग धरती पर आकर विभिन्न स्थानों पर कंदराओं में छुप गए। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया और इस माघ मास की जो अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, उसमें मुख्य जो कुंभ क्षेत्र हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड हो गया, ऐसे ही प्रयागराज हो गया आदि हमारे जो कुंभ क्षेत्र हैं, उसमें स्नान करने का पुण्य ब्रह्मा जी के आदेश पे उनको बताया देवताओं को। तब वो इस दिन सारी जो मुख्य कुंभ क्षेत्र हैं उसमें सारे देवी देवता स्वयं निवास करते हैं, स्नान करते हैं। तो इसलिए आज के दिन स्नान करने वाला देवताओं के साथ स्नान करता है और इतना पुण्य अर्जित करता है कि वो देवताओं के समान सुख और उच्च पद प्राप्त कर लेता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस दिन न सिर्फ बोलकर बल्कि मन से भी मौन रहना चाहिए। इस खास मौके पर आप कंबल और दूसरे वस्त्र, तिल, अनाज समेत दूसरी चीजें दान कर सकते हैं। देखिए, विशेष तौर पे मौनी अमावस्या में दान है स्नान के पश्चात। मौन रहकर स्नान करने का विधान है, पर मौन खाली मुख से मौन नहीं, मन से भी मौन रहने की जरूरत है। मन में कहीं उधेड़ बुन ना चल रही हो, व्यापार के ऊपर ध्यान ना हो, अपने दान का गर्व ना हो रहा हो, ऐसा मन को भी शांत रख के चित्त को स्थिर करके स्नान करें। पश्चात अलग अलग वस्तुएं, जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में भौतिक सुख प्राप्त हो, जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वो स्वर्ण या गौ दान करें। जिन लोगों को सुख की कामना है, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, वो लोग कंबल और वस्त्र आदि का दान करें।
जिन लोगों को लगातार अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है वो पादुकाओं का दान करें, ऐसे ही जिन लोगों को जीवन में भोजन किसी प्रकार की उनकी रोजी रोटी पर संकट पड़ा हुआ है वो तिल मिश्रित दान करें मिठाइयां, जितने तिल उसकी मिठाई में होंगे उतने स्वर्गिक वर्षों का आपको आनंद मिल जाएगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस दिन पितृ घर आते हैं, ऐसे में उनके लिए दान आदि करने से वो खुश होते हैं, साथ ही देवता भी आशीर्वाद देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।